समूचे देश में कानपुर का हृदय रोग संस्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसे में जो यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं उन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है यहाँ के नए निदेशक के रूप में। कार्डियोलॉजी के इस नए निदेशक की क्या आगे भविष्य की योजनाएं हैं, कैसे इस जो हृदय रोग संस्थान है इसको और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वयं डॉक्टर राकेश वर्मा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले एक अतिरिक्त प्रभार निदेशक का बहुत बहुत जिम्मेदारी आपको मिली जो है अतिरिक्त, उसके लिए आपको बहुत बहुत मैं डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, और हमें नई जिम्मेदारी जो निदेशक के रूप में मिली हुई है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी एवं हमारे प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी ने हमें जो सौंपी है उनको दायित्वों को पूरा करने के लिए हमने कार्डियोलॉजी के मिशन और विजन पे कार्य करना है। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं सवाल और मुद्दों पर आते हैं कि डॉक्टर राकेश वर्मा का जो एक विज़न है नए निदेशक के रूप में, और आप विभागाध्यक्ष के तौर पर बहुत अच्छे से सेवाएं दे रहे हैं, क्या पहली प्राथमिकता होगी कि एक नए निदेशक के रूप में आपकी सेवाओं को और अच्छे से जाना जाए? मुझे कार्डियोलॉजी को टू द डोर, कार्डियोलॉजी टू द डोर का मतलब यह है कि हमें मरीज को अगर सीवियर चेस्ट पेन हुआ है तो हम घर बैठे कैसे पहचान लें कि उसको अटैक है या अटैक नहीं है। इसके लिए मैंने हार्ट कमांड सेंटर के बारे में सोचा है, जिसमें कि एक ऐप होगा, हमारे पास एम्बुलेंसेज होंगी जो चारों दिशा में होंगी और हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे। उसमें जो भी जिस मरीज को कोई भी कहीं जिस नॉर्थ में हो चाहे साउथ में ईस्ट में, चारों दिशाएं में एम्बुलेंसेज होगी, तो वो हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले हो उस पर आप फ़ोन करेंगे, मेरी एम्बुलेंस इमीडिएट उसके डोर पे पहुंचेगी और उसमें उसके साथ में ऐप से वो ऐप उसमें इनबिल्ट होगा। तो ऐप से क्या होगा कि जैसे ही चेस्ट पेन वाले मरीज को हम चेस्ट के ऊपर ऐप रखेंगे वो डिस्प्ले हमारे हार्ट कमांड सेंटर में तुरंत आ जाएगा, जिससे हम बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे कि अटैक है या अटैक नहीं है। अटैक है तो तुरंत इमीडिएटली पेशेंट को पिकअप करेगी एम्बुलेंस और वो फिर हमारे हार्ट कमांड सेंटर से कोऑर्डिनेट करते हुए यहाँ पर बिस्तर तैयार पहले ही हो जाएगा। अटैक का मरीज घर पे डायग्नोस हो गया, हमारे यहाँ बिस्तर रेडी है, वो आएगा तो हम लोगों को वो जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए क्रूशियल पीरियड जो है 3 से 5 मिनट का होता है और नहीं तो 20 मिनट का होता है। तो 20 मिनट पर ही एम्बुलेंस लेके पहुँच जाएगी और इस तरह से हम काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं समय पर करके। ये पहला विज़न हो गया, और अतिरिक्त की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर नई बिल्डिंग्स भी तैयार हो गई, उन पर क्या योजनाएं हैं? हमारा जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हमें कार्डियोलॉजी को एक अपने प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में ऊंचाइयों तक ले जाने का है, उसके लिए मैंने जो सोच रखा है वो 16 मंजिली न्यू कार्डियोलॉजी ब्लॉक के रूप में मैं स्थापित करूँगा और जिसकी छत पर हेलीपैड होगा और उसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा होगी। ये प्रोजेक्ट कोई अभी नहीं है कि एक साल में हमारा हो जाएगा, ये मैं अपने पूरे निदेशक के पद पर रहते हुए के लिए मैंने रोड मैप तैयार किया है कि हो सकता है कि हमें फेजेज में करना पड़े, तो हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी ब्रजेश पाठक जी और प्रमुख सचिव जी हमारा पूरा इसको क्रियान्वयन करने के लिए पूरा हमें सहयोग करेंगे और ये जो कार्डियोलॉजी न्यू ब्लॉक होगा ये वो दशा और दिशा दोनों निश्चित करेगी कि कार्डियोलॉजी को प्रदेश नहीं बल्कि देश में इसका नाम होगा और हमारे कानपुर की जनता का तो नाम होना ही होना है। तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको कि मैं पहले कर ले जाऊंगा, मुझे विश्वास है कि मैं ट्रांसप्लांट यूनिट को स्थापना करना, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारे पास पूरा सिस्टम ऑलरेडी रेडी है, बस केवल लाइसेंसिंग की हमें कार्रवाई करनी है जो कि आसानी से हम लाइसेंसिंग करा ले जाएंगे, क्योंकि हम ही अभी लाइसेंस दे करके आए हैं फोर्टिस को, तो मेरे को पता चल गया है कि लाइसेंसी इज़ नॉट, और जैसे ही लाइसेंस हमें मिल जाता है तो हम बहुत ही नज़दीक होंगे कार्डियक ट्रांसप्लांट करने के, जो हमें बस केवल कोऑर्डिनेट करना होगा न्यूरो सर्जरी या न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जीएसएम मेडिकल कॉलेज से, जो कि हमारे मेडिकल कॉलेज का पार्ट है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे तीन जो हैं बहुत ही स्पष्ट और क्लियर विजन है कार्डियोलॉजी को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ नए निदेशक के तौर पर पद ग्रहण करने वाले और पहले से ही यहाँ पर इस कार्डियोलॉजी संस्थान में विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश वर्मा, जिन्होंने भविष्य में जो इनको नई जिम्मेदारियाँ मिली हैं उन पर किस तरह की तैयारियाँ होंगी और कैसे इस कार्डियोलॉजी संस्थान को आगे ले जाकर स्वास्थ्य सेवाओं पर इनका जो जोर होगा और कई जो नई इनके साथ इम्प्लीमेंट हैं इस विभाग के साथ वो इन्होंने करने के लिए सहारा समय के साथ अपने विचार साझा किए। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय से अनुराग श्रीवास्तव।